वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूनिट थ्री अब तक हम दो यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें पहले यूनिट में हमने सीखा था कि एक वेब पेज से पहले लिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और दूसरे यूनिट के अंदर हमने ये सीखा था कि एक वेब पेज से तमाम लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है आ, इस यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो हम सीखेंगे कि वेब क्रॉलर कैसे बनाया जाता है यानी जो लिंक्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उन लिंक्स को इस्तेमाल करके हम मज़द लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सफ़र हम जारी रखेंगे द मेन न्यू टॉपिक इन दिस यूनिट इज़ स्ट्रक्चर्ड डेटा हम स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में इस यूनिट के अंदर बात करेंगे सीखने की कोशिश करेंगे बाई द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल हैव फिनिश्ड बिल्डिंग अ सिंपल वेब क्रॉलर हम एक वेब क्रॉलर बना चुके होंगे द क्लोजस्ट थिंग यू हैव सीन टू स्ट्रक्चर डेटा सोफार इज दिंग टाइप इंट्रोड्यूस्ड इन यूनिट वन सो स्ट्रक्चर डेटा जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके करीब तरीन चीज़ जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सीख चुके हैं वो स्ट्रिंग्स हैं राइट एंड यूज इन मैनी ऑफ द प्रोसीजर्स इन यूनिट टू तो हमने स्ट्रिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है हम स्ट्रिंग्स कैसी होती हैं उनके अंदर क्या इन्ग्रीडियंट्स होते हैं फिर उनके ऊपर मुख्तलिफरेशंस जैसे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ मैथड्स जो, जो उसके ऊपर अप्लाई करके हम मुख्तफ ऑपरेशन परफॉर्म कर, कर सकते हैं इनके बारे में हमने बात की यूनिट टू के अंदर

अ मोर पावरफुल एंड जनरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रिंग्स से आगे बढ़ के हम एक नई टाइप के बारे में बात करेंगे इस यूनिट के अंदर जिसको हम लिस्ट्स कहते हैं विच इज अ मोर पावरफुल एंड जनरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेटा कंपेयर टू स्ट्रिंग वेयर ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी कैरेक्टर्स इन अस्ट द एलिमेंट्स कैन बी एनी थू वॉन्ट सजेस्ट कैरेक्टर्स स्ट्रिंग नंबर्स और इवन अदर लिस्ट सो so, लिस्ट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा जेनेरिक टाइप हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स जो आप स्टोर कर सकते हैं वो सिंपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं वो स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं नंबर्स भी हो सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं और इवन लिस्ट्स भी हो सकती हैं सो so, इस एतबार से लिस्ट्स बहुत ज़्यादा जेनेरिक टाइप हैं और दे आर इन अ ट्रू रिप्रजेंटेटिव ऑफ स्ट्रक्चर डेटा

द एलिमेंट्स आर कैरेक्टर्स हम जानते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम लिस्ट्स की बात करें तो एलिमेंट्स मे बी मे बी एनी पाइथन वैल्यू सो स्ट्रिंग्स के अंदर जहां हम महदूद हैं कि सिर्फ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं एक एक करेक्टर्स को मिला के एक एक करेक्टर को मिला के हम स्ट्रिंग बना सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं बट एवरी करेक्टर इज़ एन इंडिविजुअल करेक्टर जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम लिस्ट की बात करें तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट आप स्टोर कर सक, करते हैं वो एक करेक्टर हो सकता है वो पूरी स्ट्रिंग हो सकती है वो नंबर्स हो सकते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर्स हो सकते हैं वो इवन लिस्ट भी हो सकते हैं तो कोई भी पाइथन की टाइप लिस्ट का पार्ट बन सकती है जबकि स्ट्रिंग के केस में हम लिमिटेड थे कि हम सिर्फ इंडिविजअल कैरेक्टर्स की बात कर सकते है। okay, example, हैं ओके स्ट्रिंग्स आर सराउंडेड बाय सिंगल्ड और डबल कोड्स फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रिंग एस बनाएं और उसके अंदर कुछ करेक्टर्स स्टोर करें वाई ए बी बी एंड एन एक्सक्लेमेशन रेक्टर राइट सो इट विल बी सराउंडेड बाय सिंगल कोर्स और डबल कोर्स जबकि अगर आप लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के दे कैन बी सराउंडेड बाय ब्रैकेट्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने उन्हीं कैरेक्टर्स को एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर आपने स्टोर किया बट इट इज एनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट राइट इसको हम यून लिख के भी देख लेते हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही स्ट्रिंग बनाए और इसको असाइन करें वाई ए बी बी ए राइट So we know we have a string S named Y A B B A. Right? Jabka XK against list ki form list, You take the variable name as say P, right? And then comma. And then comma. Right? So you can store as many characters as you like. And then again an A and then an exclamation, right? So, this is how you can make a list. <coughs> so, if you closely see, a string is a sequence of characters, right? And those can be any characters. Whereas a list is basically comprised of different elements, which can be single characters or even anything other than that. But in this case, we have just con uh, remained confined to characters. So, for example, you have stored single characters. वाई ए बी बी ए राइट सो स्ट्रिंग के अंदर आप इनको कंटिन्यूसली इस तरीके से डील करते हैं जबकि लिस्ट के अंदर ये एक अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं so, ये ऐसा भी हो सकता है कि हम इंडिविजुअल uh, कैरेक्टर्स की बजाय लिस्ट uh, के अंदर पूरी पूरी स्ट्रिंग्स नंबर्स आ, आ, या और लेस्ट या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन स्टोर कर रहे हैं उस एवरी थिंग इज़ अलाउड अच्छा इसके बाद अगर हम आ, कुछ और चीज़ें देखें तो हमें हम जानते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर से हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं आप उसका इंडेक्स नंबर बताएँ तो वो नंबर आप उसके आ, वो आप करेक्टर उस, उसके अंदर से उस इंडेक्स पर पड़ा हुआ करेक्टर एक्सेस कर सकते हैं यही काम आप लिस्ट में भी कर सकते हैं लाइक like, आप किसी भी इंडेक्स से कोई वैल्यू उठाना चाहें तो वैल्यू आप उठा सकते हैं इसी तरीके से हमने ये देखा था कि हम इस स्ट्रिंग के अंदर से स्लाइसिंग भी कर सकते हैं राइट जब आप आ, एक स्टार्ट इंडेक्स और फिर कॉलन के जरिए सेपरेट करके एक एंड इंडेक्स देते हैं तो ये स्लाइस उठाया जा सकता है इसी तरीके से अगर आप ये काम लिस्ट के साथ करना चाहें तो लिस्ट के अंदर भी ये पॉसिबल है लेकिन फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रिंग से ये स्ट्रिंग के एलिमेंट्स के तौर पे आएंगे जबकि लिस्ट ये लिस्ट के एलिमेंट के तौर पे आएंगे और लिस्ट बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए एनक्लोज होती है और उसके सिंबल्स जो होते हैं उसके अंदर जो सॉरी वैल्यूज़ होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं ओके okay? और एक डिफरेंस एक जो आप नोटिस करेंगे दैट इज़ कि अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू चेंज करना चाहें मिसाल के तौर पे आप इसको वाई की बजाय आप हम जानते हैं कि इस स्ट्रिंग एस का पहला करेक्टर वाई है अगर हम इसको वाई के बजाय ए करना चाहें तो हमें यहाँ पे एक एरर मिलता है विच से टाइप एरर स्टर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट कि आप पूरी स्ट्रिंग को अगर कोई नई वैल्यू असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को आप तब्दील नहीं कर सकते सो so, सादा लफ्जों में हम कहेंगे कि स्ट्रिंग्स वी हैव कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। यानी वो तब्दील नहीं की जा सकती इन प्लेस जिस जगह पे आपने वो वैल्यू स्टोर की हुई है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर अगर आप करेक्टर को तब्दील करना चाहते हैं तो आप उसे तब्दील नहीं कर सकते हां पूरी स्ट्रिंग को अगर आप कोई नई वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो मेमोरी में कई नई लोकेशन पे जाके उसको असाइन कर देगा सो दैट इज पॉसिबल लेकिन किसी एक करेक्टर को आप तब्दील नहीं कर सकते सो इन टोटल वी कैन से दैट द स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एज अगेंस्ट दैट अगर हम बात करें लिस्ट्स की तो लिस्ट्स लाइक like आप यहां पर देखें अगर आप कि हम इसको कोई वैल्यू साइन करना चाहें ए या बी दैट इज़ पॉसिबल राइट सो अगर आप अब पी को देखेंगे तो पी का पहला कैरेक्टर यानी पी एफ जीरो जो था वो वाई था वॉज अ सिंपल कैरेक्टर हमने इसको तब्दील किया और ए कर दिया अब हमने जब पी को देखा तो बाकी ए बी बी ए सा राइट वो करेक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं जबकि पहला करेक्टर जो वाये था वो तब्दील होके ए हो गया लिहाजा आप स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पड़े हुए किसी चीज़ को करेक्टर को तब्दील नहीं कर सकते दा मीन्स स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल उन्हें उनके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती हाँ पूरी स्ट्रिंग को नई स्ट्रिंग असाइन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर तब्दीली नहीं होगी बल्कि मेमरी में किसी नई जगह पर जाके वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी और यही काम अगर आप लिस्ट के साथ करना चाहें तो बिल्कुल मुमकिन है लिस्ट के अंदर आप तब्दीली कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को तब्दील कर सकते हैं सो दैट इज़ अलाउड विद लिस्ट्स वेयर एज इट इज़ नॉट अलाउड विद स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल वेयर आर म्यूटेबल हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे आगे जाके सो फर्स्ट थिंग कार्टून कार्टून टॉम जेरी एंड ड्रुपी राइट सो हमें कहा गया है कि हम एक लिस्ट बनाए कार्टून के नाम से और उसको तीन नाम असाया असाइन कर दें टॉम अ वेरी फेमस सीरीज हैज एंड राइट दैट्स वेरी सिंपल हमने कार्टून्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसको एक लिस्ट असाइन कर दी उसके अंदर तीन वैल्यूज हमने डाल दी टॉम जेरी एंड रूपी अगर आप प्रिंट करेंगे इसको कार्टून्स को So it will print that list, right? Which has three elements Tom, Jerry, and Droopy. So that was very simple. I hope you did it. You were able to do it yourself. Okay, the next is uh, that given the variable <laughs> days and month. हमारे पास एक वेरिएबल है डेज़ इन मंथ विच इज़ बेसिकली अ लिस्ट एंड इट हैज़ द वैल्यूज थर्टी वन टी एट थर्टी वन थर्टी थर्टी वन थर्टी थर्टी वन थर्टी वन थर्टी सो बेसिकली इफ़ यू क्लोजली सी तो ये बारह वैल्यूज़ हैं और ये बारह महीनों के अंदर जो मुख्तफ दिन होते हैं लाइक जनवरी में इकतीस फेबररी में अट्ठाईस मार्च में इकतीस अप्रैल में तीस एंड सो ऑन ये तो ये उन नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रही है ये लिस्ट राइट डिफाइन अ प्रोसीजर हाउ मेनी डेज

राइट right? और हमें कहा गया, गया है कि एक आप प्रोसीजर डिफाइन करेंगे हाउ मेनी डेज के नाम से दैट टेक्स एज इनपुट अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ मंथ जो इनपुट के तौर पे एक नंबर लेगा जो कि उस जो नंबर हम जो भी सप्लाई करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इनमें से कोई भी नंबर वो उस मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंड आउटपुट्स द नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ और अब जब हम उसको मंथ देंगे फॉर एग्जाम्पल वन दें तो वो थर्टी वन रिटर्न करता है नाइन दें तो वो थर्टी रिटर्न करता है सो जो भी उस महीने के नंबर ऑफ डेज़ होंगे वो वो रिटर्न कर देगा राइट सो वी ट्राई टू सो आई वुड अर्ज यू टू डू इट पॉज दिस वीडियो एंड डू इट यूर सेल्फ एंड देन